ना उठाया जाए, अन्याय सरासर। डर के मारे लोग घर छोड़ करके बाहर भाग रहे हैं, रात खेतों में पहुड़ रहे हैं कि पता नहीं किसको किस समय पर पुलिस ले जा सकती है, कोई इसमें संशय नहीं। आप अपना परिचय बता सकते हैं, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा श्री कामता प्रसाद त्रिपाठी, ग्राम चिल्ला खुर्द, थाना चाक घाट, तहसील तेउंथर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। कल गल्ला बेचने जा रहा था और उन पुलिस वालों के साथ कोई मुखबिरी किया, हम पुलिस वाले को कैसे पता होगा कि इस ऑटो से ये आदमी जा रहा है और ये गल्ला बेचने जा रहा है। चिल्ला गांव में हुए कथित विवाद की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझा पाई चाक घाट पुलिस। नमस्कार, मैं बीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विगत एक महीने पहले चिल्ला गांव में ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर बिजली विभाग और चिल्ला गांव के ग्रामीणों के बीच कहासुनी और झगड़े की बात सामने आई थी, जिसमें त्योधर के ही समाज सेवी अरुण गौतम उर्फ कमांडो का नाम पुरजोर जोड़ा गया और फिर तरह तरह की धाराएं लगाकर अरुण गौतम को एवं गाँव के ही एक अन्य व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। अब जेल में दोनों व्यक्तियों से पुलिस द्वारा क्या पूछताछ की गई या नहीं की गई, इसका सच तो सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस ने अभी भी मामले को तूल देना नहीं छोड़ा। आए दिन चिल्ला गांव में पुलिस की दबिश और लोगों से अमानवीय व्यवहार की बातें सामने आती रही। चाक घाट पुलिस का यह बेतुका रवैया क्यों? क्षेत्र में हो रही इतनी घटनाओं पर पुलिस का ध्यान नहीं जा रहा? सिर्फ इसी एक मुद्दे पर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है क्यों? पुलिस इन गरीब आदिवासियों के घर आधी रात को घुस रही है। सूत्रों की माने तो कमांडो अरुण गौतम पर लगी रासुका की धारा को वापस ले लिया गया है, लेकिन त्योंधर क्षेत्र की जनता का दबाव लगातार प्रशासन पर अरुण गौतम को रिहा करने की ओर बढ़ता रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस द्वारा या यूं कहें कि उनके राजनीतिक अकाउंट द्वारा कहीं यह कोई नया षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा है? क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में पूरा चिल्ला गाँव यह कह रहा है कि इनका झगड़े से कोई लेना देना नहीं, उसे ही पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। इस बात पर संशय होना तो लाजमी है। आदिवासी जो पूर्व में किसी प्रकार की कोई अपराध में संलिप्त नहीं पाया गया था, उसको वीडियोग्राफी के आधार पर गिरफ्तार कर लेना कहीं से जायज नहीं लगता और यह कानूनी दायरे से भी नहीं फिट होता। अगर पुलिस मुख्य आरोपी गौतम अरुण गौतम को ही मानती है तो फिर उनसे पूछताछ कर उस बात का आधार क्यों नहीं बनाया जाता? क्यों पुलिस चिल्ला गांव में देर रात घुसकर आम नागरिकों को प्रताड़ित करती है? एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा पुलिस प्रशासन को मुस्तैद, चुस्त, दुरुस्त एवं निष्पक्ष रखने की बात करती है, जिला प्रशासन भी दावे करने से पीछे नहीं हटता, तो फिर फूल कली, उमा कली, कांति सावित्री आदिवासी एवं विजय आदिवासी विनीत मिश्रा के ये सवाल किसके लिए है? चिल्ला गांव के ग्रामीणों का जिला कलेक्टर महोदय से यह निवेदन है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर ग्रामीणों को पुलिस के आतंक से निजात दिलाएं, अन्यथा पुलिस का यह अमानवीय रवैया किसी बड़ी घटना का जिम्मेदार न बन जाए। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। बेटी हूँ, हम लोग आए थे अपने ससुराल से, यहाँ अपने बाप के घर में आए हैं, तो वो लोग हमारे बाप को पकड़ ले गए हैं, पुलिस वाले उठा ले गए हैं और मेरे भैया को उठाने के लिए आए, तो मेरे भैया घर में। आपके बाप को क्यों उठा ले गए? वो झगड़ा हुआ था तो वो देखने के लिए गए थे, वहाँ झगड़ा जैसे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ तो मेरे पिता भी गए वो वहाँ झगड़ा देखने, तो वीडियो में आ गए। मेरे बाप उस दिन थोड़ा ऐसे कुछ आँच बोल रहे थे, पेर पाए थे, तो वहाँ पे चले गए देखने के लिए, तो उनका भी वीडियो आ गया, तो इसीलिए पकड़ ले गए। क्या नाम बेटा आपका? विजय कुमार आदिवासी। विजय कुमार जी, ये घटना कैसे घटित हुई? ये सर ट्रांसफार्मर के लिए झगड़ा हुआ था, मेरे पिताजी वहाँ पे देखने गए थे, उसकी वजह से मेरे पिता का भी नाम आ गया, प्लस मेरे पिता को अरेस्ट कर लिया गया है, ताकि मैं अभी आया हूँ, कल परसों गाड़ी पे रहता था, तो आज रात में मेरे को आए थे, जबरदस्ती लेकर जा रहे थे। पुलिस हमेशा आती है घर पे? जी सर आती है, आने जाने। आज आई थी, मतलब 11 बजे रात में आई थी, मैं अब अंदर सो रहा था, मेरे को जबरदस्ती किया, मेरे को टंगिया का लेकर आया, बोला यही भोसड़ी वाला विजय है, ये है ऐसे वालम है, मैं बोला नहीं, मैं उसका छोटा भाई हूँ, तो भी वहाँ घर से मेरे अंदर से घसीट कर यहाँ तक लाया। पुलिस गाली गलौज भी करती है? बोले हैं सर। चिल्ला खुर्द गांव में मौजूद हूँ, जहाँ पर ट्रांसफार्मर को विवाद लेकर के पिछले एक माह पूर्व जो है घटना घटित हुई थी। आज
मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर तखंडू कोल के घर में मौजूद हूँ, जहाँ पर उनके पत्नी और परिवार के लोग भी मौजूद है, जहाँ पर पुलिस ने उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि क्या उस वारदात में तखंडू वहाँ पर मौजूद रहा है या कि उसके साथ अनहोनी घटना घटित हुई है या उस झगड़ा के पेड़ में वो मौजूद था अन्यथा नहीं था, उसके साथ पुलिस ने ऐसा वार्ता क्यों किया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? उमाकांती। उमाकांती जी, तो ये घटना कैसे घटित हुई है, कैसे आपके जो है पिताजी को पुलिस अरेस्ट करके ले गई? जेठ है आपके? तो कैसे है, पुलिस कैसे आती है आपको, आप लोगों के यहाँ? रात में साहब आती है तो अंदर सकाती है, लेडीज पुलिस नहीं रहती है, सबके मर्द लोग रहते हैं तो अंदर घर में आदमी नहीं है तो भीतर सका सका के ढूंढती है, हेरती है। आपके जेठाऊ उस दिन झगड़ा में, जब झगड़ा हो रहा था वहाँ गए थे? हाँ रहे सर। कहाँ गए थे वो? वहीं। काहे के लिए गए थे वो, झगड़ा करने गए थे? झगड़ा करने नहीं गए रहे, जैसे आम पब्लिक जाती है सर वैसे गए थे। काहे के लिए गए थे? जैसे झगड़ा हुआ थी तो वैसे देखने के लिए गए, देखने के लिए गए सर। तू है फोटो खींच गया। आपका क्या नाम है? फूलकली जी। आप जो है तखंडू की कौन है? पत्नी है। तो पुलिस कब आपके घर में मौजूद हुई, कब कई बजे आपके घर आई थी? पुलिस आई रही 11 बजे रात आई सर। हम लोग पहुड़े रहन, तबीयत खराब रही, बुखार भर रही, तब मैं हमारे गेट में धक्का मारते थे, वो कहते हैं कि गेट खोलो। मैंने बोली कि अपने लड़का को जगाने लगी छोटा वाले को, उसके ले करके भाग चले पुलिस वाले। महिला पुलिस साथ में रही? नहीं रही।